नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेकोमेस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं कि आपको दिखाऊंगा कि निकॉन DSLR में हम लोग सेलेक्टिव कलर मोड जो है कैसे करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस समय कैमरा आप देख रहे हैं सामने रखा हुआ है। कैमरे के सामने जो है मेरे दो डिफरेंट कलर के मैंने ढक्कन रखे हुए हैं और इस समय मैं आउटडोर में बैठ के शूटिंग कर रहा हूँ, तो बाहर की सीनरी भी आपको ग्रीन कलर की जो है वो भी सामने दिखाई पड़ रही होगी। तो अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि सेलेक्टिव मोड जो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सेलेक्टिव कलर मोड। तो उसके लिए दोस्तों, हमको कुछ डायल पैड को जो है इफ़ेक्ट पे लेके जाना पड़ेगा और इफ़ेक्ट पे लेके जैसे मैं जाता हूँ तो आप देखेंगे कैमरे ने सब कुछ ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, टोटल ब्लैक एंड वाइट रहेगा, कोई भी कलर इसमें सेलेक्ट नहीं है। अभी इसको हमको कलर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कलर सेलेक्ट कैसे करने हैं, इफ़ेक्ट लेके जाते हैं, उसके बाद ये पास सामने इसमें इसका जो डायलर है इसको हमें रोटेट करना रहेगा। जैसे इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन आते जाएंगे और ये देखिए मैं इसको डायलर को रोटेट करता हूँ, हाई की है इस समय, तो इस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा सेलेक्टिव कलर का। तो ये देखिए, ये दोस्तों आता है ऑप्शन सेलेक्टिव कलर का, यहाँ पर हमें इसको ओके कर देना है सेलेक्टिव कलर में। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि इस कैमरे में जो है एक वाइट कलर का स्क्वायर मार्क आ रहा है, तो उसको हमको पर्टिकुलर कलर पे लेके जाना है। और यहाँ पे तीन ऑप्शन है, 1, 2, 3, तो ये तीन कलर आपके कैमरा जो है एक बार में सेलेक्ट कर सकता है, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा। जो तीन कलर आप सेलेक्ट करेंगे उन्हीं कलरों को ये हाईलाइट करेगा। तो यहाँ पर जो है इस समय पहला कलर जो मैं ये लेता हूँ, पिंक कलर पहले ले रहा हूँ मैं, तो इसको मैंने पिंक कलर को पहले लिया है। आप देखेंगे पहले ऑप्शन मेरा पिंक कलर आ गया है, दूसरा ऑप्शन अभी मेरा ब्लैक एंड वाइट हो गया जो कि ब्लू कलर का था। तो अभी मैं यहाँ पे फिर से डायलर जो है डायलर को मैं फिर से स्क्रॉल करूँगा इस साइड में, तो ये दूसरे ऑप्शन पे आ जाता है, दूसरे स्क्वायर में। यहाँ पे देखिए येलो कलर का हाईलाइट हो गया यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर को सेलेक्ट करूँगा तो ये ब्लू कलर का है, इसको मैं करूँगा तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्लू कलर आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये तीसरा कलर मेरा ब्लू कलर आ गया है। और अगर मेरे को चौथे तीसरे ऑप्शन में भी लेना है तो यहाँ पे मैं इसको जो है फिर से चेंज करूँगा डायलर को और ये तीसरा कलर आ जाएगा, तीसरा कलर मेरा ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको लूँगा तो यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा, बाकी सब अब ये ब्लैक एंड वाइट में दिखाएगा, सिर्फ ये तीन कलर ही मेरे को शो करेगा। यहाँ पर मेरे ये डन हो गए हैं, तो इसको जैसे ही मैं ओके करूँगा तो अभी आप देखेंगे दोस्तों सिर्फ ये तीन कलर ले रहा है, अभी ग्रीन कलर भी ले रहा है। तो अगर मैं ग्रीन कलर इसमें से हटा दे रहा हूँ तो मैं ग्रीन कलर को हटाता हूँ यहाँ से डायलर से, मैं इसको तीसरे ऑप्शन पे लेके जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो मैं डिलीट जैसे ही करूँगा तो ये तीसरा कलर जो है ये वो कर देगा डिलीट। अभी देखिए आप देखेंगे सामने सिर्फ आपको दो कलर दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी सब जो है ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पिक्चर क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये दो कलर की ही पिक्चर आएगी, बाकी सब मेरा ब्लैक एंड वाइट में आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा फ़ोटो आया है, ये जो मैंने फ़ोटो लिया था सिर्फ दो कलर पिंक और ब्लू कलर का फ़ोटो आया है, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट में आया है। तो दोस्तों, ये एक बड़ा छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको दिखाया। मेरा वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, आपके लिए अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके।